हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि मनु किचन। तो आज आदि मनु किचन से मैं आपके साथ एक साउथ की बहुत ही टेस्टी और एकदम फेमस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाने वाले हैं नारियल की चटनी, जिसे आप इडली, डोसा, उत्तपम या फिर पूड़ी पराठा किसी के भी साथ में सर्व करें। यकीन मानिए, इतनी टेस्टी लगती है ना ये चटनी कि आप इसे बार बार बना करके खाना चाहेंगे और झटपट बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं साउथ की बहुत ही टेस्टी फेमस रेसिपी नारियल की चटनी। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए हाफ मैंने फ्रेश नारियल लिया था और नारियल को मैंने तोड़ करके अलग कर लिया है। तो सबसे पहले ये जो हमने नारियल लिया है, इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। मैंने नारियल का पीछे वाला छिलका नहीं निकाला है, और अगर आप चाहें तो ये जो छिलका है इसे भी आप नाइफ से अलग कर सकते हैं, इस तरीके से अलग कर दें, लेकिन मैं इसके साथ ही इसे कट करने वाली हूँ। नारियल को मैंने कट कर लिया है, कट किए हुए नारियल को जार में डालेंगे। एक छोटी कटोरी भर के इसे मैं मूंगफली ऐड कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे चटनी में। और एक छोटी कटोरी भर करके रोस्टेड चने ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ मूंगफली डाल के इस चटनी को बना सकते हैं। तीन इसे मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ तीखेपन के लिए। एक कटोरी इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। हम नारियल की तीखी चटपटी हरी चटनी बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने हरा धनिया डाला है। धनिया डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। दो टेबल स्पून इसे मैं फ्रेश दही ऐड कर रही हूँ। दही वाली कटोरी से ही दो टेबल स्पून पानी भी डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। थोड़े से इसमें कड़ी लीव्स डाल रहे हैं, हम साउथ इंडियन चटनी बनाने वाले हैं तो कड़ी लीव्स तो डालना बनता ही है, क्योंकि साउथ की कोई भी डिशेस में कड़ी लीव्स जरूर डालते हैं। तो इसे अब हम पीस करके तैयार कर लेंगे। चटनी को हमने पीस लिया है, बाउल लिया है हमने, तो इसमें हम चटनी को निकाल देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी चटनी ज़्यादा गाढ़ी है तो आप इसमें एक दो टेबल स्पून पानी और डाल के इसे पीस सकते हैं वापस से। चटनी को हमने निकाल लिया तो इसमें हम लगाएंगे तड़का। तो चलते हैं गैस की तरफ। चटनी में तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में मैंने दो टेबल स्पून ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो गया, एक चम्मच राई डालेंगे। राई को अच्छे से चटकने देंगे। तीन इसे मैं सूखी वाली लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। राई हमारी एकदम अच्छे से चटक चुकी है और ये मिर्च भी तड़के के साथ में अच्छे से भुन चुकी है। तो 8 से 10 मैं इसमें कड़ी लीव्स ऐड कर रही हूँ। ये तड़का हमारा एकदम तैयार है। तो गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, तड़के को निकाल लेंगे। ये जो हमने चटनी तैयार करके रखी है उसमें हम तड़का डाल देंगे। एक बार तड़के को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये बहुत ही टेस्टी चटपटी सी साउथ इंडियन नारियल की चटनी हमारी तैयार है। तो इसे हम सर्व करेंगे। नारियल की बहुत ही टेस्टी चटपटी सी साउथ इंडियन चटनी हमारी तैयार है। आप इसे इडली, डोसा, उत्तपम या फिर रोटी पराठा किसी के भी साथ में सर्व करें। यकीन मानिए, इतनी टेस्टी लगती है ना ये चटनी कि आप इसे जब भी आपके घर में ख़त्म होगी आप इसे बार बार बना करके फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहेंगे, और आप इसे एक बार बना करके 3 से 4 दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। तो आपको ये मेरी नारियल की चटनी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ऑल बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वीडियोस डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।